एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो आपकी पेपर निरस्त हुई थी, एक पेपर आपकी एंट्रेंस की, उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बताई गई है। क्या है वो नोटिस? मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो आपकी एमएड की पेपर थी, एमएड एंट्रेंस का जो पेपर था, वो निरस्त कर दी गई थी। किन कारणों की वजह से, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था। और ये भी बताया था कि वो जो पेपर है होगा 18 सितंबर को। तो ये डेट आपकी क्लियर हो गई है कि एमएड का एंट्रेंस पेपर जो आपका निरस्त हुआ था, अब वो पेपर कब होगा? 18 सितंबर को होगा। 18 सितंबर को वही होगा। देखिए यहाँ पर डेट देख लेते हैं। एमएड का जो पेपर एंट्रेंस दो शिफ्ट में होता है, तो 18 सितंबर को होगा, जिस दिन आपका संडे है। तो मॉर्निंग में आपका 9 से 11 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट जो है, और इवनिंग में जो कि 2 से 4 है। तो ये आपकी दो टाइम है आपके पेपर की, जो कि आप आज 16 सितंबर है, तो कल या आज से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो उसके लिए आप वरीड ना हो। तो ये आपका इंपॉर्टेंट नोटिस था एमएड से रिलेटेड एंट्रेंस से। तो प्लीज़ आप टाइमली क्या है ये टाइम देख लें, और डेट काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा कि कब होगा। तो 18 सितंबर को आपके पेपर होंगे। ओके, थैंक यू।